हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सबको चैनल। दोस्तों, जुलाई मंथ स्मार्टफोन के मामले में काफी बिजी रहा था। इसमें हमें काफी सारे फोन लॉन्चेस देखने को मिले, जिसमें कि सैमसंग, वन प्लस, रियलमी एंड शाओमी जैसे टॉप कंपनी के फोन लॉन्च हुए और इनमें एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम सेगमेंट के सभी फोन एक ही मंथ में लॉन्च हो गए। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्मार्टफोन हमें जुलाई मंथ में देखने को मिले। उससे पहले अगर आप कुछ नए स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट मंथ लॉन्च होंगे, उस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाले फोन वन प्लस नोट की। दोस्तों, इस फोन की हाइप पिछले 2 महीने से इतनी ज्यादा क्रिएट हो रखी थी कि सब इसका वेट करने लग गए थे और ये फोन कंपनी का फिर से फ्लैगशिप मिड रेंज स्मार्टफोन बन गया था, जो कि एक 5G डिवाइस है जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 25,000 रुपए से। इस फोन में हमें 6.44 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल और ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है, 48MP का क्वाड कैमरा एंड 32+8MP का डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं ये फोन स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट पर आता है। साथ में हमें 4115mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर दिया गया है और ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 10 विथ ऑक्सीजन OS, जिससे कि फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी कमाल का मिल जाता है। तो ओवरऑल वन प्लस नोट का ये पहला फोन था। इसके अलावा 4 और फोन है जो कि हमें इस साल के एंड तक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, सैमसंग ने अभी हाल ही में अपना सैमसंग M31S फोन को लॉन्च किया, जो कि सैमसंग M31 का एक अपग्रेडेड मॉडल है। इस फोन में हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सैमसंग का सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें कि सेंटर में 32MP का पंच होल कैमरा दिया गया है। वहीं इसके बैक में 64MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है, जो काफी कमाल के नए नए फीचर के साथ में लॉन्च हुआ है। वहीं इस फोन में हमें फिर से निराश करने वाला Exynos 9611 प्रोसेसर दिया गया है, जिसको कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए था। इसके अलावा 6000mAh की बिग बैटरी विद 25W का फास्ट चार्जर मिल जाता है और ये फोन रन करता है Android 10 बेस्ड ऑन वन UI पर, जिसमें आपको सिंपल एड फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इस फोन को वैसे तो कंपनी ने काफी ओवर प्राइस के साथ में लॉन्च किया है, जो कि है 19,500 रुपए, बट वहीं फीचर और ब्रांड के अकॉर्डिंग कहीं कहीं इसकी प्राइस जस्टिफाई भी करती है। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो कि इस फोन को बाय करना चाहेंगे? नेक्स्ट दोस्तों, Asus ने भी अपना गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन लॉन्च किया, वो भी सभी फ्लैगशिप फीचर के साथ में। इस फोन में हमें 6.59 इंच का सुपर AMOLED स्क्रीन, 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। वहीं इसमें फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 865+ चिपसेट दिया गया है विद LPDDR5X रैम और UFS 3.1 वाली फास्ट स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है और इसके बैक में ROG फोन 2 की तरह RGB लोगो मिल जाता है। साथ में 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 24MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और ये फोन 6000mAh की बैटरी विद 30W फास्ट चार्जर के साथ में आता है। इसके अलावा भी इस फोन में काफी कमाल के फीचर दिए गए हैं, तो उसके लिए आप हमारी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और इस फोन को इंडिया में 50,000 में लॉन्च किया गया है, तो अगर आप एक जबरदस्त गेमिंग फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये एक काफी अच्छा डिवाइस है। नेक्स्ट दोस्तों, 15,000 का बजट जुलाई मंथ में काफी गर्म रहा था, जिसमें कि रियलमी ने अपने रियलमी 6i को लॉन्च किया, जो कि रियलमी 6 का एक छोटा भाई है। इस फोन में हमें 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलती है, 48MP का क्वाड कैमरा, 16MP का सेल्फी कैमरा। वहीं ये फोन परफॉर्म करता है MediaTek Helio G90T पर, जो कि ऑलरेडी हमें रियलमी 6 में मिलता है, और इस फोन में 4300mAh की बैटरी विद 30W चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो इस फोन में सभी Realme 6 वाले फीचर देखने को मिलते हैं, सिवाय इसके 48MP कैमरा के। तो ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा है 13,000 की प्राइस में। नेक्स्ट, Xiaomi ने अपना एक अफोर्डेबल गेमिंग फोन को लॉन्च किया, जो कि उनका Redmi 9 सीरीज में आता है, Redmi Note 9। इस फोन का डिजाइन सेम Redmi Note 9 Pro वाला है। इसमें हमें 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो कि 60Hz डिस्प्ले के साथ में है। वहीं इसके बैक में 48MP का क्वाड कैमरा दिया गया है, फ्रंट में हमें 13MP का पंच होल कैमरा मिल जाता है और ये फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर आता है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। इसी के साथ में इस फोन में 5020mAh की बैटरी विद 22.5W का चार्जर देखने को मिलता है। तो ये फोन 12,000 की कीमत में काफी जबरदस्त डिवाइस है, इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पोको ने अपना पहला अफोर्डेबल स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया, पोको M2 Pro। ये फोन काफी अच्छी प्राइस और फीचर के साथ में लॉन्च किया गया। इसमें हमें फुल HD+ LCD डिस्प्ले मिलती है, 48MP का क्वाड कैमरा, 16MP का सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है और ये फोन परफॉर्म करता है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर पर, जो कि हमें रेडमी नोट 9 प्रो में भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए। वहीं इसमें 5000mAh की बैटरी, 18W का चार्जर दिया गया है और ये फोन 14,000 की कीमत में लॉन्च किया गया था। तो अगर आपको Redmi Note 9 Pro नहीं मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा डिवाइस है। नेक्स्ट, सैमसंग ने भी अपना एक बजट स्मार्टफोन जुलाई मंथ में लॉन्च किया था, जो कि सैमसंग M01 का अपग्रेडेड मॉडल है। इसमें हमें 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, इन्फिनिटी वी शेप वाला 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं इसके बैक में 13+2MP का डुअल रियर कैमरा मिल जाता है और ये फोन परफॉर्म करता है MediaTek Helio P22 चिपसेट पर, जिसके साथ में 4000mAh की बैटरी दी गई है। तो अगर आप 10,000 से कम कीमत में कोई नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे इसके फीचर के अकॉर्डिंग इसका प्राइस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट दोस्तों, जुलाई मंथ में Realme ने अपना एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किया, Realme C11। इस फोन का लुक और डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। इसमें हमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले विद वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है और इसके रियर में एक नया डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें 13+2MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है और वहीं इसके फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा मिल
मिल जाता है। और ये फोन नेम मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट पर आता है, साथ में 5000 mAh की बिग बैटरी भी मिल जाती है। इस फोन का प्राइस 7500 रुपए से स्टार्ट होता है, तो अगर आप इस प्राइस में कोई फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये कमाल का फोन है, इसको आप देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट मंथ इसका अपग्रेडेड मॉडल Realme C15 भी लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ओप्पो ने भी अपना ओप्पो रेनो 4 प्रो को लॉन्च किया है, जिसमें 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट का पैनल मिल जाता है। और ये फोन स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट पर आता है विद इंप्रेसिव 65W की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसमें की 4000 mAh की बैटरी मिलती है। वहीं इसमें 48MP का क्वाड कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 विद कलर OS 7.2 पर मिलता है। इस फोन की कीमत स्टार्ट होती है 35000 रुपए से, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस है। वैसे इस फोन को ग्लोबली स्नैपड्रैगन 765 पर लॉन्च किया गया था, बट इंडिया में इसको 720G पर लॉन्च किया गया है, जिससे कि इस फोन की प्राइस काफी ओवर हो गई है, तो इस फोन को आप बिल्कुल भी ना लें। नेक्स्ट दोस्तों, वीवो ने अपने दो स्मार्टफोन को फ्लैगशिप मिड रेंज में लॉन्च किया, वीवो X50 और X50 प्रो। ये फोन काफी स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ में आती है। इस फोन में हमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले विद एमोलेड स्क्रीन दी गई है। और अगर आपको ज्यादा वीडियो वगैरह बनाना पसंद है तो इसमें हमें गिम्बल स्टाइल वाला कैमरा मिल जाता है, जिससे काफी जबरदस्त वीडियो स्टेबिलाइजेशन मिलती है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में 4315 mAh की बैटरी दी गई है। ये फोन 50000 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया था, तो ओवरऑल फोन काफी बढ़िया है, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट दोस्तों, सैमसंग ने जुलाई मंथ में काफी फोन लॉन्च किए, जिसमें उनका एक बजट स्मार्टफोन जो कि 5500 रुपए में मिलता है। इस फोन में हमें 5.3 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि 8MP का रियर कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं इस फोन में मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफी पुराना प्रोसेसर है। साथ में इस फोन में 3000 mAh की बैटरी दी गई है और ये फोन रन करता है एंड्रॉइड गो पर। तो 5000 की कीमत में ये एक अच्छा डिवाइस है, अगर आपको सिर्फ कॉलिंग वगैरह करनी है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्नो ने भी अपना एक बजट फोन लॉन्च किया, जो कि रियलमी नार्जो 10 और रेडमी 8 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है। इस फोन में हमें 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले, 16MP का ट्रिपल रियर कैमरा और इसके फ्रंट में 8MP का पंच होल कैमरा मिल जाता है, जो कि इस फोन को इस बजट में थोड़ा सा अलग बनाता है। बट वहीं इसमें हमें सिर्फ मीडियाटेक हीलियो A25 चिपसेट दिया गया है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी कमी है। और इसके साथ में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो डिजाइन और फीचर के अकॉर्डिंग इस फोन का काफी ओवर प्राइस है। अगर ये फोन 7000 से 8000 में लॉन्च हो जाता था तो ये काफी कमाल का फोन बन जाता। नेक्स्ट, वीवो ने भी अपना 15000 से कम कीमत में वीवो Y30 को लॉन्च किया, जिसमें कि हमें 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि 15000 में भी हमें फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता। और इसके बैक में 13MP का ट्रिपल कैमरा, फ्रंट में 8MP का पंच होल कैमरा दिया गया है। वहीं ये फोन परफॉर्म करता है मीडियाटेक हीलियो P35 चिपसेट पर, जिसके साथ 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ में ये फोन एंड्रॉइड 10 विद फन टच OS पर आता है और सभी लेटेस्ट सेंसर और पोर्ट्स भी इसमें मिल जाते हैं। अगर ये फोन वीवो 10000 तक की भी लॉन्च करता तो भी ये काफी ओवर प्राइस होता, क्योंकि इसमें काफी पुराना चिपसेट मिलता है। नेक्स्ट, 8000 की कीमत में टेक्नो ने अभी अपना टेक्नो स्पार्क 6 एयर को लॉन्च किया है, जिसमें कि 7 इंच का काफी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, तो ये आपको फोन नहीं बल्कि टैबलेट लगेगा, क्योंकि इसकी स्क्रीन काफी बड़ी है। और इसमें हमें 13MP का ट्रिपल कैमरा और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं ये फोन भी मीडियाटेक A22 प्रोसेसर पर आता है, साथ में 6000 mAh की बिग बैटरी दी गई है, तो कंपनी इस फोन को पावर बैंक बनाकर बेच रही है। नेक्स्ट, एंटी चाइना का फायदा उठाते हुए लावा ने भी जल्दी जल्दी में लावा Z61 प्रो को लॉन्च किया था। वहीं इसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिजाइन मिलता है, 8MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और 1.6GHz पर क्लॉक ऑक्टाकोर प्रोसेसर में दिया गया है, बट चिपसेट कौन सा है ये नहीं पता। साथ में 3100mAh की बैटरी मिल जाती है, तो इस फोन के सभी फीचर काफी आउटडेटेड है, तो एंटी चाइना का इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया लावा ने। तो ये थे दोस्तों वही स्मार्टफोन जो कि जुलाई महीने में लॉन्च किए गए। बाकी आपने इनमें से कौन से फोन को परचेज किया है या फिर करने वाले हैं, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।